हिट चैप्टर नंबर 4। इन चैप्टर 3 यू लर्नड दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म एंड वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। दिस गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर सीजन। फॉर ए पार्टिकुलर सीजन, दैनिक जीवन में आप बहुत सारी वस्तु देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म तथा कुछ वस्तु ठंडी होती है। उदाहरण स्वरूप, चाय गर्म होती है परंतु बर्फ ठंडी होती है। सूप गर्म होता है परंतु आइसक्रीम ठंडी होती है। जलती हुई गैस या चूल्हे पर रखी केतली गर्म होती है परंतु उसका हैंडल ठंडा होता है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। गर्म वस्तुओं में भी कुछ वस्तुएं दूसरों से अधिक गर्म हो सकती है। इसी प्रकार ठंडी वस्तु में भी कुछ वस्तु अधिक ठंडी हो सकती हैं। प्राय स्पर्श कर यह निर्धारित किया जाता है कि वस्तुएं गर्म हैं अथवा ठंडी, परंतु कभी कभी स्पर्श कर यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि वस्तु गर्म है अथवा ठंडा ठंडा। हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सम ऑफ देम आर हॉट, सम ऑफ देम आर हॉट हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। जैसे कि आपको बताया गर्म और ठंडा के बारे में बताया गया है। जैसे आइस ठंडा होता है, टी चाय गर्म होती है, आइस ठंडा होता है। आपको बताया तुरंत, डू नॉट अटैच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। बी केयरफुल। ऐसे बहुत से देखिए, इतना भी गर्म होता है जिस ऐसे बहुत बहुत वस्तु हैं कि इतनी गर्म होगी कि उसको छू नहीं सकते। बी केयरफुल वाइल होल्डिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। जबकि कुछ ठंडा होते हैं तो कुछ गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं कि सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। एक तरफ गर्म होता है तो दूसरी तरफ ठंडी भी होती है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। वी ऑब्टेन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, बट इच आवर सेंस ऑफ टच रिलेबल। ये हमारे जो सेंस है, ऑर्गन सेंस है, ये हमारे ऑर्गन सेंस से ही टच करने के बाद फील होता है। लेट अस फाइंड आउट। हम लोग पता करते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। टेक थ्री स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर, लेबल देम एज ए बी एंड सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। तीन पारदर्शी टब लीजिए, उन पर एक दो तीन लिखिए लिख लीजिए। ट्यूब एक में थोड़ा पानी लीजिए और टब दो में बर्फ डाल दीजिए, बर्फ डाल दीजिए। और टब तीन में नल का पानी डाल दीजिए। बी मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन इन द टू कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ द हैंड्स सिमिलटेनसली इन कंटेनर सी। डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग, सेम फीलिंग, सेम फीलिंग। आप अपना दायां हाथ टब एक और बायां हाथ टब टू में डालिए। आपको दोनों हाथों में क्या महसूस होता है? दाएं हाथ में गर्मी और बायां हाथ में ठंडक महसूस होगी। 2 मिनट बाद आप अपने दोनों हाथों को टब थ्री में डालिए। आप क्या अनुभव करते हैं? आप क्या अनुभव करते हैं? बुझो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन सो दैट बुझो कन्फ्यूजन है। वो देखता है कि वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन ऑन आवर सेंस ऑफ टच। जब हम लोग टच किए तो गर्म महसूस हुआ, दूसरी तरफ दूसरा हैंड था तो ठंडा महसूस हुआ, लेकिन तीसरे टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड महसूस हुआ। समटाइम्स इट मे डिवाइसेस। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। ए रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। क्या मापने के लिए हॉटनेस मापने के लिए टेम्परेचर है? रियलिटी है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर को माप सके वो थर्मोमीटर कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। मेजरिंग टेम्परेचर पढ़ते हैं, ताप मापन।
हैव यू सीन ए थर्मोमीटर रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी थर्मोमीटर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर होल्ड द थर्मोमीटर इन यह प्रयोग दर्शाता है कि गर्म तथा ठंडा तुलनात्मक शब्द है सिर्फ सिर्फ स्पर्श करके आप नहीं बता सकते कि यह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी अधिक उष्मा वाली वस्तुएं भी ठंडी लगती है। उष्मा का प्रभाव किस दिशा में होगा यह तापकरण निर्धारित करता है। तापकरण टेम्परेचर उष्मा हेट एक प्रभाव है। उष्मा अधिक तापकर्म से कम तापकर्म की ओर प्रभावित होती है। तापकर्म मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमापी कई प्रकार होते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोगशाला थर्मामीटर अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर आदि आदि। योर हैंड एंड एग्जाम इट केयरफुली इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू अपने दोस्त के साथ इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। थर्मोमीटर को केयरफुली उसके ध्यानपूर्वक देखें और ऑब्जर्व करें। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शो इन फिगर फॉर प्रोटोन यहाँ पर देख सकते हैं। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर रखता है क्लिनिकल थर्मोमीटर इसी प्रकार का रखता है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब इसे ग्लास ट्यूब में रखते हैं। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी ये इस प्रकार का बल्ब देखते ही मरकरी होता है और यहाँ पर लास्ट क्लोज किया है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट यू विल ऑल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मोमीटर द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस इसमें एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड सेट थर्मो टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर घुंडी होती है जिसे बल्ब कहते हैं। घुंडी में पारा भरा रहता है। घुंडी के ऊपर नली में पारे की एक चमकीली धार देखी जा सकती है। कांच की नली के ऊपर एक मापक अंकित रहता है जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की माप दर्शाता है। थर्मोमीटर को ध्यान से देखिए इसमें एक विभंग दिखाई देता है या पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। इसकी क्या आवश्यकता है या आगे जानेंगे। रीडिंग एक्टिविटी 4.2 में बता रहा है रीडिंग है थर्मोमीटर को पढ़ना है किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर आओ हम लोग पता करते हैं थर्मोमीटर को रीड करते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स यहाँ पर थर्मोमीटर लीजिएगा तो थर्मोमीटर लीजिएगा तभी उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है ठीक है। तो पहले हम नोट करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस को इंडिकेटर करते हैं टू बिगर मार्क्स। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन डिवीजन नंबर में बांटा गया है जिससे सो स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दिच मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रेड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन्स बिटवीन देम देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रेड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्रीज। पहले दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित तापक्रम के बीच छोटे चिन्हों को नोट कीजिए। मान लीजिए कि 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच 10 भाग है तब एक छोटे भाग का मान 1/10 डिग्री सेल्सियस 0.1 डिग्री सेल्सियस होगा 0.1 डिग्री सेल्सियस होगा। वास द थर्मोमीटर फिर थर्मोमीटर को धो दीजिए परफेक्टली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स द जर्क्स विल बर्निंग ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब द थर्मोमीटर अंडर योर टोंग यू आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट विथ इट्स यूनिट उपयोग से पहले और बाद में थर्मोमीटर को साफ जल तथा प्रतिरोधी घोल से अवश्य धो लीजिए। थर्मोमीटर में पारे की लकीर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर पारे की लकीर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो थर्मोमीटर को कस कर पकड़िए और हाथ को 2-3 बार झटकिए पारा नीचे आ जाएगा। इसे मुंह में जीभ के नीचे दबाकर 1 मिनट तक रखिए मुंह से निकालिए और पठन पढ़िए। पारे की रेखा दृष्टि रेखा के नीचे सिद्ध में होनी चाहिए यही शरीर का ताप कर्म होगा।
जैसे ही थर्मामीटर को मुंह से निकालते हैं तो पारा नीचे गिरने का प्रयत्न करता है। घूंटे के पास लगा किंक इसे नहीं गिरने देता है। ऐसे से पारा का सही बटन मिल जाता है। थर्मामीटर के बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर को झट कर पारे को घूंटे में ले आइए और सावधानी पूर्वक साफ करके रख दीजिए। आजकल इसे थर्मामीटर की जगह डिजिटल थर्मामीटर लेता जा रहा है जिसमें पारा का उपयोग नहीं होता है। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। इस प्रकार अपने फ्रेंड्स का बॉडी का मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं विथ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर की सहायता से अपने साथियों के बॉडी को टेम्परेचर माप सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन से एन टेबल 4.2 और ऑब्जर्व कर इल टेबल 4.2 में लिखिए। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी पर्सन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस का ही होता है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नोट बी 37 डिग्री सेल्सियस। यदि नहीं होता है ऐसा, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन। यहाँ हेल्थी पर्सन के बारे में बता रहा था। क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइनड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और एबव टू 42 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में रेंज होता है एक कारण बनता है थर्मोमीटर का। और 42 और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, 35 डिग्री से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर होता है तो बॉडी नॉर्मल होता है। बॉडी नॉर्मल होता है और किसका? मानव का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। बुझो क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया, डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। आप बिना किसी की अनुमति के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का कहीं पर भी आप उसका मेजर नहीं कर सकते। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम। इसको आपको थर्मोमीटर को एक सन से बचाना होगा और फ्लेम से बचाना होगा। इट में ब्रेक ये टूट भी सकते हैं, इसका कारण यही है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस पर्पज। देयर आर अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल सो यू दिस थर्मोमीटर। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। थर्मोमीटर इज यूज्ड डॉक्टरी थर्मोमीटर से केवल मानव शरीर का तापमान मापा जा सकता है। अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया जाता है। यह भी डॉक्टरी थर्मोमीटर की तरह दिखता है पर इसमें किंक या विभंग नहीं होता। इसका प्रेशर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मोमीटर की तरह ही इसका पठन लिया जा सकता है। इसे प्रयोग करने की विधि क्रियाकलाप 3 द्वारा समझी जा सकती है। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन दैट थर्मोमीटर। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। किसी बीकर या शीशे के गिलास को पानी से आधा भर दीजिए। पानी नल, हैंडपंप, कुएं, किन्हीं कहीं से भी ला सकते हैं। इस पानी में प्रयोगशाला तापमापी की घुंडी उड़वाइए। घुंडी बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पारा तापमापी में चढ़ने लगेगा या उतरने लगेगा। जब पारे का तल एकदम स्थिर हो जाए तो पाठ्यांक लिख लीजिए। यही जल का तापक्रम होगा। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। यही सही उचित समय होगा नापने का, ताप लिखने का। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अपने क्लास में हर स्टूडेंट से इसके बारे में रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। आर दे आर वेरिएशंस इन द रीडिंग्स। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका डिस्कस करना बिल्कुल आसान है कुछ कारणों के साथ में, और इसका आंसर का भी पता लगाइए। एक्टिविटी 4.5 पर टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी
थर्ड बिकम्स स्टडी एंड नॉट द टेम्परेचर। इसे टेम्परेचर को नोट कीजिए, जब आप गर्म पानी में मरकरी को रखते हैं, थर्मोमीटर को रखते हैं, तो उसमें नोट कीजिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, फिर उसको निकाल लीजिए बाहर से, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस, फिर ऑब्जर्व कीजिए क्या हुआ। नाउ डू यू नोटिस दैट, क्या आप नोटिस किए दैट एज सून यू टूक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, थर्मोमीटर को बाहर पानी से बाहर निकालने के बाद द लेवल ऑफ मरकरी बिगेन टू फॉल, उसका लेवल क्या था मरकरी का। दिस मीन्स मरकरी जिस प्रकार गिरने लगा तो उसका लेवल कितना था। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड, तब उस वक्त आप टेम्परेचर पठन कर सकते हैं वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर यू, तो फिर उसके बाद थर्मोमीटर को पानी में डाल दें। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर यू, तब आप उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के द्वारा आप उसे मेजर कर सकते हैं और यूज भी क्या आप कर सकते हैं। जब आपने इस प्रकार का काम किया तो आप इसी हॉट वाटर में आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप माउथ में भी कभी कभार इसको आप पठन करते होंगे, माउथ में रख करके भी पठन करते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वेंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पोज। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? आप जब माउथ में क्लिनिकल थर्मोमीटर लेते हैं तो आप उस प्रकार मरकरी को क्यों नहीं आप देख सकते हैं? उसको जांच कर सकते हैं, ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, वो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। डू यू सिंक सीन ए क्लिनिक नियर द बल्ब, वट इज द यूज ऑफ द नेक, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, तब मरकरी प्रिवेंट्स के लेवल को देख सकते हैं और जब वो गिर रहा हो मरकरी लेवल तक। दिस इज अ लॉट ऑफ कॉन्सर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। आजकल ऐसे मशीन भी आ गई है जो थर्मोमीटर्स टेक्नोलॉजी का रूप ले रही है। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिपोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स। दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। अब मरकरी का ज़्यादा यूज करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि आजकल अब डिजिटल थर्मोमीटर्स उपलब्ध हो रहे हैं, नहीं हुआ तो हो भी जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट ऊष्मा का संचरण। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम, इट इज बिकॉज द हीट पैसेज फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, इट स्लोली कूल्स डाउन। वाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोस फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोस फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज इट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। उष्मा का संचरण, आप दिए गए चित्र को देखें, यह हमारे देश के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने का एक तरीका है। इसमें एक एक के ऊपर एक कई बर्तन रखे हुए हैं जिनमें चावल या खीर पकती है। चूल्हे पर सबसे नीचे वाला बर्तन है, सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन कैसे पक रहा है। इसका अर्थ है कि उष्मा नीचे से ऊपर तक पहुँच रही है, अर्थात उष्मा का संचरण होता है। उष्मा संचरण की तीन विधियां हैं जिनको समझने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। एक्टिविटी 4.6, टेक ए रड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन, फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रड, दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, क्लैंप द रड टू ए स्टैंड, इफ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ the rod in between bricks. Now hit the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think that heat is transferred? Heat is. स्वेटर बुनने वाली सिलाई या लोहे की एक पतली छेड़ लीजिए, मोम की सहायता से इसमें चित्र अनुसार बराबर बराबर दूरी पर पेपर पिन लगा दीजिए। एक स्टैंड में सिलाई को लगा दीजिए। अब सिलाई के एक सिरे को मोमबत्ती स्प्रिट ज्वालक से गर्म करना शुरू कीजिए, निरीक्षण कीजिए क्या हो रहा है। निष्कर्ष 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 निकाल
निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन इन सॉलिड्स जनरली। द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल द सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट ए हॉट हॉट पैन यू होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? गेटिंग हर्ट। निष्कर्ष, ज्वालक ज्वालक के नज़दीक वाला सिर पहले गर्म होता है, इसलिए इसके नज़दीक वाला पेन पहले गिर जाता है। अतः ऊष्मा का चालन अधिक ऊष्मा वाले क्षेत्र से कम तापक्रम वाले क्षेत्र की ओर होता है। चालन की आवश्यक शर्तें हो सकती है, दो वस्तु संपर्क में हो, दोनों का तापमान अलग अलग हो। अगर दोनों संप्रकृत वस्तुओं का तापमान एक हो तो ऊष्मा का चालन नहीं होगा। जब संप्रकृत वस्तुओं का तापमान अलग अलग हो तो ऊष्मा का चालन तब तक होता है जब तक तापमान बराबर ना हो जाए। तब तक जब तक तापमान बराबर ना हो जाए। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और ए बेकर, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, डिप वन एंड ऑफ एच ऑफ दीच आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, वेट फॉर ए फ्यू। एक्टिविटी है मिनट्स, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन सेंटर टेबल। 4.3, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर प्योर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिच सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। आप कंडक्टर्स और सुचालक के बारे में पढ़ोगे। कुछ वस्तु ऊष्मा के अच्छे चालक होती है, उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहा जाता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। चांदी ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, सूती, कपड़ा आदि ऊष्मा के सुचालक हैं। अर्थात इससे होकर ऊष्मा का प्रभाव नहीं हो सकता। हवा और पानी भी ऊष्मा के कुचालक है। आइए अब देखें कि द्रवों में ऊष्मा का परिवहन कैसे होता है। ऐसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। एक्टिविटी 4.8, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, ए बीकर कैन बी यूज्ड। फिल इट 2/3 विथ वाटर, प्लेस इट वन ऑन ए ट्रिपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हिट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील, प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमानेंट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ। नाउ हिट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। एक बीकर में आधे ऊंचाई तक पानी भर दीजिए, उसमें कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। टुकड़े पानी में भीग कर डूब जाते हैं। अब एक त्रिपाद स्टैंड पर तार की जाली रखे तथा उस पर बीकर रखे, उसके नीचे स्पिरिट ज्वालक को जला कर रखें और पानी को गर्म करना प्रारंभ कीजिए। कागज के टुकड़े गर्म होकर ऊपर उठते हैं और फिर बगल की ओर जाते हैं, अंत में नीचे बैठ जाते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। वेन वाटर इज हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। हॉट वाटर राइजेस अप द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स, मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट एंड राइज। और फिर बगल की ओर जाते हैं, अंत में नीचे बैठ जाते हैं। यह स्थिति चॉकलेट बांटने की दूसरी स्थिति जैसी ही है। जल की बूंदे बूंदे या कागज के कण ज्वालक से उसमें पाकर ऊपर उठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें पदार्थ के कण वास्तव में गति करते हैं संवहन कहलाती है। पदार्थ के कण ऊष्मा ग्रहण कर ऊपर उठ जाते हैं तथा उनकी जगह दूसरे कण आ जाते हैं और ऊष्मा ग्रहण कर ऊपर उठ जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूर्ण होती है और सभी कण ऊष्मा ग्रहण करके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा पानी गर्म हो जाता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर?
इन विच डायरेक्शन डस द स्मोक गो? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, कन्फर्म्स दिस आइडिया। वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वह वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इसी प्रकार वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे देखें। एक्टिविटी 4.9, लाइट कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर हॉटर एंड वाई? एंड वाई? नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड्स। हाउ एवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज सो एज हॉट एज एट द टॉप। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सप्रेशंस एज इंटरेस्टिंग एज एक्सटेंशंस। एक मोमबत्ती चलाइए, एक हाथ को ज्वाला के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को मोमबत्ती के बगल में। क्या आपको दोनों हाथों में असमान गर्मी लग रही है? निष्कर्ष: संवहन के द्वारा वायु गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है, इसलिए ज्वाला को ऊपर वाला हाथ अधिक गर्मी महसूस करती है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ड्यूरिंग द डे। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइसेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रुशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर साइकिल द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज। सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। समुद्री संवहन का वैवाहिक अनुभव: समुद्री तट के क्षेत्रों के अलग खिड़कियाँ समुद्र की ओर रखते हैं। दिन के समय स्थल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। जल का ऊष्मा अच्छा चालक नहीं है। स्थल के ऊपरी की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा जल स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म हवा समुद्र की ओर चली जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्र समीर सी ब्रिज कहते हैं। रात्रि में यह प्रक्रम उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। थल समीर कहलाते हैं। विच वेन वी कम आउट इन द सन वी फील वॉर्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच एस? इट कैन नॉट रीच एस बाय कंडक्टर और कन्वेक्शन एस देयर इज नो मीडियम सच एस एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एच रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। वेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स। बाय रेडिएशन आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। It by radiation, all hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? विकिरण radiation. जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती है। आजकल सोलर कुकर भी मिलते हैं जिनमें सूर्य की गर्मी से भोजन पकता है। आखिर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकांश स्थान पर तो वायु भी नहीं है। चालन अथवा संवहन के द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यहाँ ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि प्रयुक्त होती है जिसे विकिरण रेडिएशन कहते हैं। चॉकलेट बांटने की तीसरी विधि से इसकी संभाव्यता दिखाई जा सकती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप आग तापते हैं या हीटर के सामने
बांटते हैं तो इसी परक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपने कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही संचरित करता है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि चीज़ कैसे गर्म और ठंडी हो सकती है? आइए अब जानें कि ऊष्मा के संचरण की इन विधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर के बारे में, क्लोथ्स के बारे में कहा गया है, अलग अलग प्रकार के। यू नो दैट, जैसे कि जानते हैं कि समर वी प्रेफेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर्ड। हम लोग डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं फिर, और समर में लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? लेट अस फाइंड, आइए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 4.10, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। टू आइडेंटिकल टिन कैंस लीजिए, पेंट द आउटर सर्फेस ऑफ द वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। पोर, देखिए दूसरा साइड लेना है व्हाइट लेना और वन साइड लेना ब्लैक। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स टेम्परेचर्स? यहाँ देखिए, यहाँ ब्लैक है, यहाँ व्हाइट है, तो इसी प्रकार का लेना है। विच कैन इज द वाटर वार्मर? जब इसे गर्म करेंगे यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैनल्स। दोनों कैनल्स में देखेंगे कि अलग अलग फील उत्पन्न होगा। एक्टिविटी 4.11 फिल द टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। जिस प्रकार हम लोग एक्टिविटी 4.10 में किए थे विद उसी सेम अमाउंट में उतना हम लोग हॉट वाटर ले लेना है एट द सेम टेम्परेचर। कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए 60 डिग्री, कह सकते हैं हम लोग इतना कम से कम होना चाहिए। लीव द कैंस इन ए रूम और इन ए शेड, इसे छाया में रख दे, एक रूम के छाया में रख दे। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स के बाद इसका टेम्परेचर मापे। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट? ये कुछ मात्रा में लेकर उसका टेम्परेचर मापना क्या होता है उसका। डज दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीजन? एक से एक्टिविटी करने के बाद सजेस्ट मिलता है, आखिर ये इससे ऐसा क्यों होता है? हम लोग क्यों पहनते हैं वो जो कॉटन के बारे में बात किए थे, लाइट क्लोथ के बारे में और डार्क क्लोथ। डू दिस एक्टिविटीज सजेस्ट, इसके बारे में बता दिए। यहाँ देखिए लाइट कलर्ड और व्हाइट कलर्ड के बारे में बताया था, तो क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? तो ये कंफर्टेबल के लिए ये एक्टिविटीज किया गया है। द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, हम लोग विंटर के समय में डार्क कलर्ड पहनते हैं, ऐसा क्यों? और समर के समय में लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, ऐसा क्यों? तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से पता चल जाएगा। डार्क सर्फेस अब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर इस प्रकार वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। इस प्रकार हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं जब विंटर के समय में डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देम देयरफॉर और इस प्रकार वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। तो इस प्रकार हम गर्मी में कंफर्टेबल रहते हैं जब हम लोग लाइटेड कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स से कीप अस वार्म इन विंटर, इन द विंटर हम लोग किस प्रकार आरामदायक रहता है इसके बारे में बताया गया है। इन द विंटर, विंटर में वी यूज वूलन क्लोथ्स, हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट उष्मा का एक पुअर कंडक्टर है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, वूल फाइबर्स जानते होंगे तंतु वस्त्र का। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, हमारे जितने आसपास में होते हैं कोल्ड वो अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखते हैं। सो वी फील वार्म, इस प्रकार हम लोग गर्म महसूस करते हैं। सपोज आप मान लीजिए यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आदर वन थिंक ब्लैंकेट, आपको चॉइस करने के लिए दिया गया तो, और दो पतला ब्लैंकेट और एक मोटा ब्लैंकेट दोनों में से दिया जाएगा चॉइस का, तो आप कौन बोला दीजिएगा? वट वुड यू चॉइस एंड वाई, और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, इसलिए कि आप चॉइस कीजिएगा बढ़िया, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एयर अंदर प्रवेश किया जाए।